सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आज अपन ईथर के नाम लिखना सीखेंगे। बच्चों ईथर क्या होता है? ओ आर, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं ईथर, ध्यान रखना आप। सिंपल ईथर और दूसरा मिक्स ईथर। सिंपल ईथर व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, और मिक्स ईथर व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफर। ये विशेष ध्यान रखना है। मींस ओ आर ग्रुप हो वो एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी को ईथर बोलते हैं। ईथर दो तरह के होते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। सिंपल ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे होंगे, मिक्स ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। इनके जो आईयूपीएक नेम है वो एल्कोक्सी एल्केन एल्केन के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इनके नाम जैसे। तो इनका नाम लिखना बहुत आसान है, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में इनके नाम लिखेंगे अपन। एल्कोक्सी एल्केन ये है इसका जनरल, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे CH3O CH3, इसको मैं लिखूंगा मिथॉक्सी मिथेन। छोटा ग्रुप एल्कोक्सी माना जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन इथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से इनके नाम अपन लिख सकते हैं ईथर के। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी में आगे एक फैमिली का नाम और लिख देते हैं, फिर ये सिंपल जो आईयूपीएक है वो आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। नाइट्राइल सीएन ग्रुप, उसके नाम भी अपन इसी में लिखने सीखेंगे। ठीक है, इसी सेगमेंट में तो नाइट्राइल या साइनो जो ग्रुप है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों CN, SS है इसका नाइट्राइल, नाइट्राइल बोलेंगे। नाम की जो फॉर्मेट है नेम इज इक्वल टू RWPS प्लस SS से लिखेंगे। HCN का नाम लिखना हो, एक कार्बन एटम है मैथ प्लस एन प्लस नाइट्राइल, नाम हो जाएगा मिथेन नाइट्राइल। CH3CN का डायरेक्ट लिख देंगे अपन इथेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, इस तरह से इनके नाम सो ऑन सिंपली नाम चलते चलेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इसमें अगर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नाम कैसे लिखें। तो सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सिंपली, कुछ कोई ज्यादा इतना वो नहीं है, सिंपली अपन नाम लिख सकते हैं। देखो सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो
आर डब्ल्यू से पहले क्या लगा देंगे, एल एस लोकेशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, देखो यहां एल एस प्लस आर डब्ल्यू, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री ब्रोमो फोर मिथाइल पेंटेन नाइट्राइड, इस तरह से इनके सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है अगर सी एन ग्रुप चेन के बाहर है तो क्या करेंगे, तो इसका एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे अपन। एडिशनल सफिक्स क्या होता है इसका, सी एन रिंग के साथ प्रेजेंट हो या आउटसाइड हो तो एडिशनल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं इसका हमेशा, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, जैसे देखो साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, इसका साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, इसका लिखूं मैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, ये थे आपके कुछ आयुपेक नेम जिनको अपन ने पूरी सीरीज चलाई है, और ये आज सीरीज सिंपल आयुपेक नेम जो है उनकी खत्म हुई है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।